हेलो ब्रीम नमस्कार वेलकम टू यूपी पी रिजल्ट लैब मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन फॉर यूपी पी आज दो महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे एक सांप्रदायिकता पर करेंगे यानी कम्युनलिज्म पर जो आजकल पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है और उसके साथ साथ दूसरा विषय हम करेंगे भारत मालदीव संबंध के ऊपर तो दो एडिटोरियल हिंदू के इन दोनों पर हम लोग बेहतर रणनीति बनाते हैं कि कैसे इसे समझा जाए और कैसे जब भी यूपी में इस पर प्रिलिम्स में या मेंस में क्वेश्चन आए खासकर मेंस में तो आप उसको बेहतर ढंग से टैकल कर सके एक बार सारे बच्चे बता दें क्या मैं दिख रहा हूं बिजिबल हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है यूट्यूब का कुछ अच्छा ठीक है बिल्कुल दिख रहा हूं बहुत बढ़िया तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी जर्नी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग बहुत बहुत सुप्रभात आप सब लोगों को चलिए शुरू किया जाता है आज की अपनी चर्चा यहाँ से और अपनी कॉपी पेन निकाले रहिएगा इस बात की गारंटी है कि जितने टॉपिक डेली यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं वो एक दिन यानी जब आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे आप देखेंगे शायद ही इतिहास अगर छोड़ दिया जाए और कुछ पोर्शन ज्योग्राफी के ट्रेडिशनल छोड़ दिए जाएँ तो शायद ऐसा कोई प्रश्न आपकी कॉपी में आएगा यानी आपके एग्जाम में आएगा जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे जो यहाँ से नहीं होगा ये मैं आई में प्रूफ कर चुका हूँ पिछले तीन सालों से और यहाँ पर धीरे धीरे वो चीज़ें प्रूफ होती हुई चली जाएंगी कि जबरदस्त रूप से तो चलिए हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे जीएस सबसे पहला जीएस वन आज हम करने जा रहे हैं समाज खंड यानी सोसाइटी इंडियन सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या साम्प्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता बहुत अच्छी चर्चा करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा सेक्युलरिज्म सब तो आप लोगों ने सुना है पढ़ा भी होगा सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षवाद लेकिन आज हम एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे सेकुलराइजेशन यानी कि धर्म निरपेक्षीकरण क्या सिखाएंगे सेकुलराइजेशन यानी कि धर्म निरपेक्षीकरण यह शब्द सिखाएंगे याद रखे ठीक है और उसके बाद जीएस टू का एक एक टॉपिक लेंगे आईआर भारत मालदीव संबंध तो चलिए शुरू करते हैं रिजल्ट लैब आपका अपना चैनल है इसको आप लोग आगे बढ़ाएं जिससे हम लोग यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेटर्स को जोड़ सके और अन एकेडमी का ऐप जिस तरह से आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं आप मुझे अनएकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं क्विज uh, के लिए स्पेशल क्लासेस के लिए प्लस कोर्सेज के लिए स्पेशल क्लासेस से याद आया कि इकोनॉमिक सर्वे की अपनी जो क्लास चल रही है अब यहाँ पर वो यानी आज दो लेक्चर होंगे जो भी कल मैं नहीं ले पाया था गले की वजह से यूएस और मेरा कोड इसके लाइव है आप इसे यूज करें चलिए ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी बच्चे एडमिशन वगैरह लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं वो पूरा एक्सपीरियंस एक बार जरूर काउंट कर लेंगी आगे बढ़ते हैं आज की अपनी पहली चर्चा पर और वो चर्चा है कम्युनल वायलेंस इज नॉट न्यू टू इंडिया यानी भारत में सांप्रदायिक हिंसा कोई नई बात नहीं है बट समथिंग इज डिफरेंट नाउ बट क्या है पर अब कुछ अलग बात है यानी सांप्रदायिक हिंसा कोई नई बात नहीं है बट अब कुछ अलग है ऐसी एक चर्चा इस एडिटोरियल में की गई है इसका मतलब हम सांप्रदायिकता विषय की चर्चा है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम भाई सांप्रदायिकता अगर है तो हम इसे पढ़ें क्यों यानी कम्युनल विषय है एक राजनेता के लिए इसका अलग अर्थ होगा एक मीडिया कर्मी के लिए इसका अलग अर्थ होगा एक आम भारतीय तैयारी तो कर रहे है, के लिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसका निर्धारक ना मैं होता हूं ना आप होते उसका निर्धारक होता है पीसीएस का आपका सिलेबस और उसका निर्धारक होता है पीसीएस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन तो चलिए देखते हैं यानी क्या यूपी पी के सिलेबस में यह टॉपिक यानी जो यह सांप्रदायिकता का टॉपिक है यह है या नहीं तो बिल्कुल है देख सकते हैं जी एस वन समाज यानी सोसाइटी और सोसाइटी में यह टॉपिक देख सकते हैं संप्रदायवाद धर्मनिरपेक्षता आपके सामने कम्युनलिज्म और उसके साथ सेकुलरिज्म ये दोनों आपके सामने टॉपिक लगे हुए थे यानी संप्रदायवाद और धर्म निरपेक्षता इन दोनों विषयों पर हम चर्चा करने चल रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें केवल यानी हम केवल जो वर्तमान में घटनाएं घट रही उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे और वैसे भी कोई भी एडिटोरियल केवल वर्तमान पर नहीं होता और पूरी पीछे की कहानी भी लेकर के आता है सिद्धांत लेकर के आता है तो अब हम यहां पर क्या करेंगे बेसिक भाई सांप्रदायिकता क्या है धर्मनिरपेक्षता क्या है धर्म निरपेक्षीकरण क्या है ठीक है ना सेकुलरिज्म क्या है सेकुलर सेकुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई सेकुलराइजेशन क्या होता है सेकुलरिज्म तो पता है ठीक है सेकुलराइजेशन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और फिर बेसिक के साथ एडवांस की तरफ बढ़ेंगे ध्यान रखिएगा तो ये क्लास उन बच्चों को जो फर्स्ट टाइम देख रहे देखेंगे ये यूपीपी की बेसिक क्लास भी एडवांस क्लास भी है थोड़ा समझने में समय लगेगा क्यों समय लगेगा क्योंकि हम यानी आपके सिलेबस को एडिटोरियल्स के साथ जोड़ रहे हैं यूपीपीसीएस में पूछे गए प्रश्नों को एडिटोरियल्स के साथ जोड़ रहे हैं तो यह एक नई टेक्निक है यूपीपीसीएस की तैयारी कराने की इस वजह से मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा कि अगर इस टेक्निक पे आपने कभी तैयारी नहीं की है तो आपको थोड़ा समय लगेगा आपको वेट करना है धीरे धीरे आपको इसमें आनंद आने लगेगा क्योंकि अब यूपीपीसी का एक जो पैटर्न है वह एकदम से आई के पैटर्न पे जा चुका है ऐसे में हमें तैयारी भी उसी लेवल की करनी होगी तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से चेक करते हैं कि कैसे कैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं देन हम बहुत अच्छी चर्चा कर पाएंगे इस विषय पर मेरे प्यारे बच्चों तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है देखिए अगर कोई आपसे पूछे सांप्रदायिकता का कारण क्या है तो आप मानिए वही क्वेश्चन ही आ चुका है वही क्वेश्चन ही आ चुका है आप आसानी के साथ इसे यहां पर देख सकते हैं 2019 का क्वेश्चन है कब का है 2019 का क्वेश्चन है मैं एक बार आपके सामने वो क्वेश्चन रखता हूं सांप्रदायिक हिंसा आजकल आप देख सकते हैं काफी चर्चा में है यह शब्द सांप्रदायिक हिंसा ठीक है धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है धार्मिक कट्टरपंथियों धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है ठीक है असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती असामाजिक असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है देखिए आप सांप्रदायिकता के कारण ही पढ़ ले रहे हैं प्रारंभ की जाती है ठीक है इसके अलावा राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा द्वारा प्रोत्साहित की जाती है द्वारा प्रोत्साहित की जाती है ये 2018 में आया हुआ बच्चों तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा 2018 में आया हुआ है ठीक है ना जीएस वन में राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है और निहित स्वार्थों द्वारा निहित स्वार्थों द्वारा निहित स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित की जाती क्या की जाती है निहित स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित की जाती है निहित स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित की जाती है टिप्पणी कीजिए टिप्पणी कीजिए यह आप ध्यान रखिएगा क्या है कम्युनल वायलेंस इज ठीक है ना क्या है क्या है ये किसके द्वारा भड़काई जाती है रिलीजियस जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके द्वारा तो पहली चीज अच्छा हाँ एक ये क्वेश्चन हो गया अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हो गया वो क्या है जरा इसको भी देखिए ये 2019 का आया हुआ है 2019 का क्योंकि सांप्रदायिकता के साथ धर्मनिरपेक्षता जुड़ी हुई है तो स्वाभाविक हमें सांप्रदायिकता के साथ धर्मनिरपेक्षता को भी पढ़ना है तो अगला प्रश्न है आपके सामने मैं लिख दूं एक मिनट और फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं इस पर ठीक है धर्म तथा निर्जातीय हिंसा की राजनीति ये 2019 का है धर्म तथा निर्जातीय हिंसा की राजनीति धर्म तथा निर्जातीय हिंसा की राजनीति रिलीजन एंड एथनिक वायलेंस रिलीजन एंड एथनिक वायलेंस धर्म तथा राजनीतिक हिंसा की राजनीति राजनीतिक हिंसा की राजनीति की राजनीति ओहो धर्म तथा राजनीतिक हिंसा की राजनीति मिल गया धर्म तथा निर्जातीय हिंसा की राजनीति मूलतः धर्म निरपेक्षवाद मूलतः धर्म निरपेक्षवाद सेक्युलरिज्म तथा धर्मनिरपेक्षीकरण सेक्युलराइजेशन धर्मनिरपेक्षीकरण सेक्युलराइजेशन धर्मनिरपेक्षीकरण की राजनीति है की राजनीति है कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए क्या है कथन का समालोचनात्मक कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए ठीक है ना तो धर्मनिरपेक्षवाद यानी सेकुलरिज्म और धर्म निरपेक्षीकरण यानी सेकुलराइजेशन तो ये दो शब्द हैं इसके बारे में आपको पढ़ना अब इन प्रश्नों को आप जरा पढ़िए एक बार मैं स्क्रीन से पीछे हटता हूं और आप समझिए इसको मुझे बताइए कि आप हंड्रेड परसेंट इसको समझ गए पहले यह प्रश्न पढ़िए ठीक है मैं क्या कह रहा है सांप्रदायिक हिंसा यानी हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक देख सकते हैं आप क्या है भारत में सांप्रदायिक हिंसा देखिए सीधा सीधा वही वर्ड मिल रहे कि नहीं भारत में सांप्रदायिक हिंसा देख सकते सांप्रदायिक हिंसा यहां सांप्रदायिक हिंसा आपके प्रश्न और संप्रदायवाद आपके सिलेबस का पार्ट और सांप्रदायिक हिंसा पर प्रश्न तो सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा किसके द्वारा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है अब देखिए यानी धार्मिक कट्टरपंथ यानी रीजन बता दिया गया सांप्रदायिकता का कारण बता दिया गया है कारण नंबर एक मैं पीछे हटता हूं आप लोग भी पढ़ते कि भाई, नंबर के भड़काई जाती है असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है असामाजिक तत्व यानी जो समाज में कम्युनल मेंटेलिटी के लोग होते हैं अभी मैं बताता हूं इसके बारे में द्वारा प्रारंभ की जाती है यानी कोई भड़काता है पहले इमोशंस को फिर कोई शुरू करता है राजनीतिक कार्यकर्ता कार्यकर्ता हो गए कार तीसरा ध्यान रखिएगा द्वारा प्रोत्साहित की जाती है अभी फिर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि सांप्रदायिकता के क्या कारण होते हैं तो जो हम कारण पढ़ेंगे उसमें ये अपने आप आ जाएंगे और निहित स्वार्थ द्वारा यानी चौथा कोई एक और एलिमेंट है एक और एलिमेंट है निहित स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित की जाती है ये निहित स्वार्थ क्या होते हैं ये बड़ा गहरा पॉइंट है निहित स्वार्थ द्वारा वित्त पोषित की जाती है टिप्पणी करनी है आपको इसी प्रश्न को ध्यान में सॉरी <coughs> <coughs> अभी भी गलत थोड़ा <coughs> इन इसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हम ये पूरी चर्चा करेंगे लेकिन पहले आप केवल बस ये चार पॉइंट दिमाग में रखिए ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं 2019 का प्रश्न पढ़ते हैं चूंकि सांप्रदायिकता में अगर हम राजनीति पढ़ रहे हैं तो हम हमेशा धर्म निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आप बची नहीं सकते क्यों क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट में ही है कि राज्य का यानी राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं होगा ध्यान रखिएगा तो धर्म तथा निर्जातीय हिंसा ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है यानी रिलीजियस एंड एथिकल वायलेंस जो होता है कि राजनीति मूलता धर्म निरपेक्षीकरण की राजनीति है इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए अब यह बड़ा महत्वपूर्ण यानी कह रहा है कि धर्म और जो निर्जातीय हिंसा होती है ठीक आप देखिए यानी धर्म पर हिंसा धर्म की राजनीति निर्जातीय हिंसा की राजनीति मूलतः धर्म निरपेक्षवाद और धर्म निरपेक्षीकरण की राजनीति इसका मतलब आपको यहां समझना है दो कॉन्सेप्ट की धर्म क्या है और धर्म निरपेक्षीकरण है जब ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तुरंत यह प्रश्न आपको खुल जाएगा सेक्युलरिज्म पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे सेकुलराइजेशन यानी इसकी स्पेलिंग है सेकूल ठीक है ना सेकुलराइजेशन और इसका है सेकुलरिज्म क्या है सेकुलरिज्म ये इसका सेकुलरिज्म तो सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन के बीच का डिफरेंस आपको आज समझाएंगे आराम से इसलिए चल रहे हैं कि आप हर एक विषय को बिल्कुल पानी की तरह समझते चलें हमारे लिए स्पीड महत्वपूर्ण नहीं है दस मिनट में टॉपिक खत्म हो जाना महत्वपूर्ण नहीं महत्वपूर्ण यह होता है कि जब आप उस आपने उस टॉपिक को पढ़ा तो क्या आप उसे आत्मसात कर पाए इन्हीं दो विषयों की पृष्ठभूमि में हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे आइए सबसे पहले इस एडिटोरियल में क्या क्या बातें कही गई हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं तो भारत में सांप्रदायिक हिंसा यानी इस पूरे एडिटोरियल में डेटा दिया गया क्या दिया गया डेटा दिया गया है कि भारत में सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास क्या और फिर उसके बाद जो वर्तमान राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था उस पर एक आरोप लगाया गया क्या आरोप लगाया गया कि यह जो आज राजनीतिक हिंसा है पहले भी होती रही है सॉरी सांप्रदायिक हिंसा जो आज है और यह पहले भी रही है लेकिन पहले राज्य का संबंध किस सांप्रदायिक हिंसा से नहीं था वह तटस्थ रहता था लेकिन वर्तमान में यानी जो राजनीति है और जो सांप्रदायिकता है ये एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं यही इन्होंने विषय उठाया है ध्यान रखिएगा तो आइए सबसे पहले एडिटोरियल में देखते हैं कि हिंसा के जो डेटा दिए गए हैं आपको ये याद रखना होता है उदाहरण देने के लिए तो जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो लिख दे कि भारत में सांप्रदायिकता एवं धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना यह आप, आपका टॉपिक हो गया और उसके बाद न्यूज हो गया आपकी वर्तमान में सांप्रदायिक हिंसा की बढ़ती ये हो गया आपकी न्यूज अब उसके बाद आप लिखिए बनाइए महत्वपूर्ण तो सांप्रदायिक घटनाएं तो एक पूरी लिस्ट आपके सौ तो भारत में।, के सबसे पहले में सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए, कहां पर हुए? में नोवाखली में और बिहार के कई गांव में तो पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया जहां पर सांप्रदायिक हिंसा हुई ध्यान रखिएगा ठीक है ना क्लियर है इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा यानी विभाजन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक संघर्ष हुआ उन्नीस में हुआ में मध्य प्रदेश के जबलपुर जबलपुर में हुआ था दूसरा पॉइंट आप यहां पर ध्यान दे सकते हैं और तीसरा हुआ उन्नीस में अहमदाबाद याद रखिए ठीक है और इसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए तो उन्नीस में अहमदाबाद दंगा केवल आपको क्या करना है हेडिंग हेडिंग बनानी है उन्नीस के सिख दंगे ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये मैं याद करने के लिए क्यों आपसे कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी में यानी आई में एक प्रश्न पूछ चुका है क्या प्रश्न पूछा है कि धार्मिकता और सांप्रदायिकता दोनों शब्दों का डेफिनेशन पूछा कि धार्मिकता क्या है और सांप्रदायिकता क्या है यानी रिलीजियस जो आपका बिलीफ होता है धार्मिकता वो क्या है और वो कैसे रिलीजियस बिलीफ आपका कम्युनलिज्म की तरफ कन्वर्ट हो जाता है यह पुष्प प्रश्न में है तो धार्मिकता आपको बताना है सांप्रदायिकता आपको बताना फिर कह रहा है कि धार्मिकता कैसे सांप्रदायिकता में कन्वर्ट हो जाती है धार्मिकता कैसे सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो जाती है आपको विवेचना करनी है विश्लेषण करना तो धार्मिकता और कैसे सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ जाती है विवेचन करना वो भी उसने लिखा है एक उदाहरण के द्वारा यानी लिखा हुआ एकदम क्वेश्चन में एग्जाम्पल के द्वारा पुष्ट कीजिए तो आपको कुछ घटनाएं तो पता होनी चाहिए ना तो उदाहरण के लिए ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं तो उन्नीस के सिख दंगे यानी इकतीस अक्टूबर उन्नीस को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई और पंद्रह दिनों तक दंगे भयंकर स्तर पर यानी बड़े स्तर पर जो है क्या हुए फैल गए और एक बहुत बड़ी तबाही शुरू हो गई फिर इसके बाद 1987 में मेरठ दंगे शुरू हो गए ठीक है और फिर इसके बाद उन्नीस में भागलपुर दंगे शुरू हो गए उन्नीस में याद रखिए इसमें भी एक हजार से ज्यादा लोग मारे गए ये बड़े दंगे एक हजार से ज्यादा लोगों का दंगे में मारा जाना वो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में तो ये चिंता वाली बात उन्नीस में मुंबई दंगे यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद फिर इसके बाद 2002 में गुजरात दंगे हो गए यानी गोधरा केस के बाद ठीक है 2002 गुजरात दंगे तो इतने दंगों का यहां पर जिक्र किया गया है याद रखिएगा इसी पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता चर्चा में है और उन्होंने एडिटोरियल लिखा फिर इसके बाद देखिए उन्होंने क्या कहा कि यह एडिटोरियल कहता है कि जो पहले के दंगे थे यानी जो ये पहले के दंगे थे आज के दंगों से अलग हैं क्यों क्योंकि आज इनका आरोप है अब ये क्या है ध्यान रखिएगा इनका आरोप है इनका आरोप है कि तटस्थता का सिद्धांत यह एक शब्द याद रख लीजिएगा तटस्थता का सिद्धांत मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रेलिटी इसको रट लीजिएगा तटस्थता का सिद्धांत ये कह रहे हैं अब हमें क्या करना है वो मैं बताऊंगा कि कॉपी में आपको क्या लिखना यानी, है यानी एडिटोरियल राइटर ये कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी तटस्थता का सिद्धांत इसके पहले यानी इनका मोदी जी पर आरोप है कि इनकी सरकार आने से पहले सभी सरकारें जब भी सांप्रदायिक हिंसा होती थी तटस्थ रहते थे लेकिन अब उस तटस्थता की कमी हो गई है ऐसा इन्होंने लिखा हुआ लेकिन पहली बात तो आप ये अपनी कॉपी में लिख नहीं पाएंगे क्योंकि आप अपनी कॉपी में लिखेंगे मान लीजिए कोई उनका समर्थक रहा तो फिर आपका नंबर गोल कर देगा आप सबको पता है जैसे आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं वो वैसे ही जो कॉपी चेक करेंगे जो प्रोफेसर होते हैं जो हिस्टोरियंस होते हैं वो भी तो किसीन किसी न किसी विचारधारा के होते हैं कोई होता, कोई होता होता है है तो ऐसे में आपको नुकसान होगा कि सीधा सीधा वर्तमान सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो हमें बैलेंस होकर के लिखना है और वो बैलेंस लिखना क्या होगा अब मैं आपको सिखाता हूं यानी पहले इस एडिटोरियल में ये लेकिन ये वर्ड आप तटस्थता का सिद्धांत इसको आप क्या करिए चुरा लीजिए आपके वकैब में बच्चे जब आप मेंस लिखते हैं तो आपने देखा होगा नोटिस किया होगा कि कुछ पंक्तियां लिखने के बाद आपको शब्द नहीं मिलते हैं ऐसा होता है आप लोगों के साथ कुछ पंक्तियां लिखने के बाद लगता है यार अब अब क्या लिखें वो बातें रिपीट होने लगती हैं आंसर राइटिंग जब आप करते होंगे या जब आप सोचते भी होंगे चलो लिखा जाए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता नहीं होगा करें यार क्या लिखें इसमें तो वो तभी होता है जब हमारे पास शब्द नहीं होते हैं शब्द नहीं होता शब्द आता है क्या कलेक्शन से और प्रैक्टिस से तो कलेक्शन आज के बाद जब भी सांप्रदायिकता पर लिखिएगा तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी रखे रहिएगा अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ न्यूट्रलिटी का मतलब होता है यानी राज्य किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा जब भी होगी तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट राज्य या राज्य के कार्यकर्ता एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे जो सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देने वाला परंतु अगर हम वर्तमान में देखें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में ऐसे बहुत से, से नेता हैं जो इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं जिसके कारण से सांप्रदायिक भावनाएं भड़क जाती हैं याद रखिएगा ठीक है तो ये ही बात उन्होंने क्या किया है डिस्कस किया है और एडि एडिटोरियल में फिर उसके बाद आए हैं और बातचीत किया है धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सर्ट पर यानी कहा है कि तटस्थता के सिद्धांत पर वही काम कर पाएगा जो धर्म निरपेक्षता के संवैधानिक आदर्श पर चलेगा और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना का जो समावेश किया गया है वो इसी भावना के साथ किया गया है कि सरकार धर्म और धार्मिक मान्यताओं से अलग हो यानी सरकार धर्म और धार्मिक मान्यताओं से अलग होती है धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षतावाद की संकल्पना यही कि सरकार का धर्म से कोई संबंध नहीं लेकिन यहां पर हमें याद रखना है यानी चाहे हम सरकार कहें लेकिन अच्छा वर्ड होगा राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है याद रखेगा लेकिन जब कोई राज्य या तो स्पष्ट रूप से किसी समुदाय का पक्ष लेता है या जब किसी विशेष समुदाय को धमकाया जाता है और हमला किया जाता है तो यह दंगा नहीं होता बल्कि एक ज, ज, जन संहार होता है याद रखेगा तो इन्होंने वही मध्य प्रदेश के बुलडोजर की जो घटना हुई है उसी को लेकर के यहां पर सारी बातें कही हैं लेकिन आपको यह कॉन्सेट बस दिमाग में रखना है धर्मनिरपेक्षता निरपेक्षता चूंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अब धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान के बारे में समझने की आवश्यकता है जो एडिटोरियल में आया हुआ है सब हम पढ़ के फिर अभी मैं इसको अपने ढंग से समराइज करूंगा आपके यूपी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तब और अच्छे से हम समझ पाएंगे अभी पहले हम इन्होंने क्या कहा यह पढ़ लेते हैं और फिर मैं जो कहूंगा एक्चुअल में कॉपी में आपको वही लिखना है तो भारत के संविधान के बयालीसवें संशोधन मेरे प्यारे बच्चों उन्नीस के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोर देकर कहा गया है कि इंडिया एक सेक्युलर नेशन है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है याद रखिएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अब यहां पर हम समझेंगे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ना और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है यानी अब दूसरे वाले में बताया गया यानी पहले वाले में बताया गया भारतीय संविधान में क्या है भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य या राष्ट्र कहा गया है अब दूसरे वाले में यह बताया गया है कि भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है यानी धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है वह देश और उसके लोगों के लिए किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देता यानी राज्य किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देता यानी सिंपल हम कह सकते हैं राज्य का कोई धर्म नहीं है यानी जब भी राज्य कानून और व्यवस्था की बात करेगा राज्य शासन की बात करेगा उसमें धर्म का कोई भी अंश समाहित नहीं होगा यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यानी भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं ध्यान रखिएगा ठीक है धर्म लोगों की निजी पसंद का विषय है यह आप ध्यान रखिएगा ठीक है और तीसरा पॉइंट बताया गया कि जो भारतीय धर्म निरपेक्षता है वह गांधी जी का अगर हम सिद्धांत ले सर्वधर्म संभाव की संकल्पना से गहरे स्तर पर जुड़ा है अगर कोई आपसे पूछे धर्म निरपेक्षता तो आप कह सकते हैं इंडियन फिलोसफी ऑफ सेक्युलरिजम इज रिलेटेड टू सर्वधर्म संभाव कि धर्म निरपेक्षता का जो भारतीय दर्शन है वह सर्वधर्म संभाव या क्या है सभी धर्मों की महत्ता है सभी धर्म समान है इस भावना पर भारतीय धर्म निरपेक्षता आधारित है तो यह भारतीय धर्म निरपेक्षता और भारतीय संविधान की संकल्पना आपके सामने रखी गई है मेरे प्यारे बच्चों और यहां पर वही उठाया गया यूपी एमपी कर्नाटक उत्तराखंड हरियाणा में लेखक कहते हैं कि सरकार की धार्मिक तटस्थता का तेजी से क्षरण सबसे खतरनाक राजनीतिक घटनाक्रम में से एक है तो ये टॉपिक आपका यहां पर खत्म हो जाता है जिसमें वर्तमान भारत में जो सांप्रदायिकता की घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में प्रश्न उठाया गया ठीक है अब इत, अगर इतना हमने समझा तो अब हमें ये समझने की जरूरत है सबसे ज्यादा कि भाई हम यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो हम इसे किस रूप में लेकर के चले यानी किस प्रकार से देखें तो इसी प्रश्न के हिसाब से देखा जाएगा सबसे पहले चलिए तो सांप्रदायिक हिस्सा सांप्रदायिकता क्या होती है जरा इस कॉन्सेप्ट को समझे फिर हम सांप्रदायिकता एक प्रकार से किसी संप्रदाय पर आधारित विचारधारा है क्या है सबसे पहले हम संप्रदाय समझते हैं यानी प्रत्येक धर्म और धार्मिक विश्वास प्रत्येक धर्म और धार्मिक विश्वास की कई शाखाएं होती हैं कि कई शाखाएं होती है जैसे हम हिंदू धर्म को लेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा यानी वैष्णव हैं शयों हैं इस प्रकार जैन हैं बौद्ध हैं तो कई शाखाएं होती हैं उसी प्रकार से अगर हम इस्लाम धर्म में आए तो कई शाखाएं यानी सिया हो जाएंगे सुन्नी हो जाएंगे सबके अपने अपने आराध्य हैं संप्रदाय का मतलब जब हम धार्मिक विश्वासों के आधार पर जब हम धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी एक विचारधारा के साथ जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं हम किसी एक संप्रदाय विशेष के अनुयायी हैं परंतु जब हमारे मन में इन समस्त कारणों से इन समस्त कारणों से यानी धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा निहित स्वार्थों द्वारा यह भावना प्रवेश करा दी जाती है कि हमारा जो पंथ है जो हमारा संप्रदाय है जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं वो दूसरों के पंथ से दूसरों के संप्रदाय से दूसरों की धार्मिक मान्यताओं से पूर्णतया पृथक है और श्रेष्ठ है ऐसे में हम जिस समूह समुदाय में रहते हैं हमारे जो इंटरेस्ट हैं जो हमारे हित हैं वह दूसरों के इंटरेस्ट या हित से बिल्कुल अलग हैं और हम समुदाय के रूप में एक साथ मिलकर के ही आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों के मुकाबले हमें हमेशा क्या करना है अपने आप को मजबूत रखना जैसे ही यह विचार व्यवहार के रूप में घटित होता है वैसे ही सांप्रदायिकता का उद्भव हो जाता है यह दिमाग में अपने आप रख लीजिएगा ठीक है तो सांप्रदायिक हिंसा क्यों होती है जब संप्रदाय पर आधारित विचार जब संप्रदाय पर आधारित विचार धार्मिक कट्टरपंथियों के उकसाने से असामाजिक तत्वों के व्यवहार में आने से राजनीतिक कार्यकर्ताओं और निहित स्वार्थों द्वारा जब किसी संप्रदाय विशेष के विचारों को क्या किया जाता है प्रज्वलित कर दिया जाता है दूसरे धर्म के विरुद्ध तो वहीं से सांप्रदायिक हिंसा का जन्म हो जाता है याद रखेगा तो संप्रदायवाद क्या है आपको बताया गया सांप्रदायिकता क्या है और सांप्रदायिक हिंसा आपको बताया गया क्यों होती है इस प्रश्न में यही दिया गया कि भाई सांप्रदायिक हिंसा का कारण क्या होता है धार्मिक कट्टरपंथ तो अब यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट हूं और अच्छे से समझ में आएगा सांप्रदायिकता के जो कारण होते हैं उसके दो कारण सबसे यानी दो उसकी श्रेणियां मानी जाती हैं एक पहला होता है प्रत्यक्ष कारण दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कारण प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष कारण में सबसे पहली चीज जो सांप्रदायिकता की होती है वो होती है ध्यान रखिएगा सबसे पहले वो होती मानसिकता कौन सी यानी कम्युनल मेंटेलिटी जिसको हिंदी में बोलेंगे सांप्रदायिक मानसिकता ये है प्रत्यक्ष कारण हो गया ध्यान रखेगा प्रत्यक्ष कारण होता है आप इसको बना लीजिएगा सांप्रदायिकता के कारण प्रत्यक्ष कारण सांप्रदायिक मानसिकता यानी कम्युनल मेंटेलिटी दूसरा क्या होता है हर्ड क्या होता है झुंड हर्ड झुंड व्यवहार मानसिकता हर्ड बिहेवियर मेंटेलिटी हर्ड एच ई आर डी हर्ड बिहेवियर मेंटेलिटी जैसे आपने पढ़ा होगा ना जैसे जब कोविड आया था तो उस समय यह कह जा रहा था कि अगर वैक्सीन इतने सिक्सटी परसेंट लोगों को अगर वैक्सीन लग जाए तो हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी समझ रहे ना तो क्या होता है हर्ड बिहेवियर का मतलब होता है कि एक भीड़ होती है एक झुंड होता है एक भीड़ होती जो इस मानसिकता से ग्रस्त होते ही होते हैं सांप्रदायिकता की ऐसे में थोड़ी सी भी हवा चली वो इसका फायदा उठा करके और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में सक्रिय हो जाते हैं ध्यान रखिएगा तीसरा रीजन क्या होता है यानी तीसरा होता है कम्युनल पॉलिटिक्स यानी सांप्रदायिक राजनीति कम्युनल पॉलिटिक्स यानी सांप्रदायिक राजनीति होता है ध्यान रखिएगा इसे हम सीपी यानी कम्युनल पॉलिटिक्स बोलेंगे और चौथा रीजन हम क्या बोलेंगे क्या है यानी सांप्रदायिक राजनीति और चौथा होता है मीडिया मीडिया की भूमिका यानी मीडिया की भूमिका ध्यान रखिएगा क्योंकि मीडिया क्या होता है लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ होता है क्या होता है चतुर्थ स्तंभ होता है ऐसे में इसको लोकतंत्र की आंख नाक कान कहा जाता है क्या कहा जाता है लोकतंत्र की आंख नाक और कान इसका मतलब होता है ये जनमत को यह जनमत को जागरूक करता है क्या करता है जनमत यानी जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी इसकी है कि देश में क्या चल रहा है अगर सांप्रदायिक हिंसा चल रही है तो आखिर उसके पीछे रीजन क्या है और वह सही तस्वीर अगर लोगों के सामने रखे तो इस प्रकार की हिंसा नहीं होगी तो ये चार रीजन हो गए प्रत्यक्ष और इसके बाद एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्यक्ष रीजन के बाद यानी सबसे पहले प्रत्यक्ष रीजन हो गए अब उसके बाद आता है दूसरा अप्रत्यक्ष कारण क्या होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रीजन ध्यान रखे क्या आता है अप्रत्यक्ष रीजन यानी इनडायरेक्ट कारण इनडायरेक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह क्या है यानी आर्थिक कारक होता है जिसे हम बोलते हैं आर्थिक पिछड़ापन क्या होता है आर्थिक पिछड़ापन एक बहुत बड़ा रीजन है आर्थिक पिछड़ापन और दूसरा रीजन होता है सामाजिक पिछड़ापन क्या है सामाजिक पिछड़ापन ठीक है तो आर्थिक पिछड़ापन यानी क्या है गरीबी सिंपल सी बात है गरीबी और सामाजिक पिछड़ापन में यानी शिक्षा शिक्षा की कमी ये ये रीजन आप चाहें तो और भी बहुत लेकिन शिक्षा की कमी तो ये सबसे महत्वपूर्ण रीजन है डायरेक्ट तो ये है और इनडायरेक्ट ये है आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा ठीक है तो सांप्रदायिक मानसिकता अगर आपको अब देखिए इस प्रश्न में भी तो यही कह रहा है ना कि सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है ये धार्मिक कट्टरपंथी कौन होते हैं ये धार्मिक कट्टरपंथी कौन होते हैं बच्चे फटाफट आई ये धार्मिक कट्टरपंथी यही होते हैं सांप्रदायिक मानसिकता तो इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आज ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा तो सांप्रदायिक मानसिकता उदाहरण डाल लीजिएगा धार्मिक कट्टरपंथी हर एक धर्म में कट्टरपंथी तत्व होते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं और आपको किसी का नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में ठीक है बस आपको केवल विजुलाइज कर लीजिए कि पूरे देश में हर एक धर्म में धार्मिक कट्टरपंथी जो सीधी बात करते हैं ठीक है तो सांप्रदायिक मानसिकता यानी एग्जाम्पल आप डाल देंगे धार्मिक कट्टरपंथी देखिए मेरे फैक्ट में ये सारे क्वेश्चन आके चिपक जा रहे हैं और जो बच्चे आई के लिए पढ़े होंगे यही टॉपिक सैटरडे को द हिंदू जो आईएस के लिए कराता हूं आप देखे होंगे कि बिल्कुल वहां पर जो डिस्कशन था आई के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था यहां पर टोटल पीसीएस के अकॉर्डिंग आ रहा है और यही रीजन ये जो मैंने बताए थे एक दो तीन चार और वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट आई एस में बताया गया था लेकिन जिस तरीके से फिलअप हो रहा है यहां पर कि सांप्रदायिक मानसिकता पहला रीजन है है उसका एक, एक है, धार्मिक कट्टरपंथ तो वो यही हो रहा है यूपी पीसीएस में क्यों क्योंकि यूपी पीसीएस की यूपीपीसी जैसी है वैसे ही मैं कॉन्सेप्ट को चेंज करता हूं तो पहला हो गया दूसरा हो गया झुंड व्यवहार मानसिकता यानी झुंड में समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं वो झुंड व्यवहार की मानसिकता के साथ जुड़े हुए हैं यानी जैसे ही सांप्रदायिक माहौल बना धार्मिक कट्टरपंथियों के द्वारा तुरंत ये एक्टिव हो जाते हैं याद रखिएगा इन्हीं को बोलते हैं झुंड व्यवहार को क्या बोलते हैं ये आपने पढ़ा था असामाजिक तत्व क्या बोलते हैं बच्चे झुंड व्यवहार वालों को क्या बोलते हैं असामाजिक तत्व आप देखिए कितना मस्त मजा रहा असामाजिक तत्व क्या बोलते हैं इन्हीं को बोलते हैं असामाजिक तत्व अब आप देखिए यानी सांप्रदायिकता के कारण अगर आप अच्छे से पढ़े हो और मैं आपको पढ़ाया हूं जैसे अभी मैं प्लस पे क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कभी अब अगली बार ऐसा रिपीट तो करेगा नहीं कुछ चेंज करेगा लेकिन आपसे गलती होगी नहीं अगर मैं सोसाइटी वगैरह जब आपको मेंस में कराऊंगा फिर इसके बाद आता है क्या करा सांप्रदायिक राजनीति तीसरा क्या है सांप्रदायिक राजनीति अब देख लीजिए यानी सांप्रदायिक राजनीति कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत से राजनेता पूरे देश में ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी या जिनका अपना समस्त राजनीतिक करियर कम्युनल वायलेंस पर टिका होता है तो सांप्रदायिक राजनीति यानी इधर देखिए राजनीतिक कार्यकर्ता देख सकते हैं आप तीसरे का एग्जाम्पल क्या होगा राजनीतिक कार्यकर्ता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो तीसरे का एग्जाम्पल हो गया राजनैतिक कार्यकर्ता क्या हो गया राजनैतिक कार्यकर्ता यानी हो गया पॉलिटिकल जो भी एक्टिविस्ट हैं आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं ठीक है और उसके अलावा निहित स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित की जाती है तो निहित स्वार्थ यानी जैसे मीडिया भी हो गया निहित स्वार्थ में बहुत से लोग आ जाएंगे याद रखिएगा जिसमें मैं बताता हूं निहित स्वार्थ को जरा समझने के लिए अब यहां जगह नहीं मैं बता देता हूं या मैं अलग से बता देता हूं बच्चे निहित स्वार्थ में यहां अगर आपको समझाऊं तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे निहित स्वार्थ का मतलब क्या होता है इसके दो हिस्से होते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इन दंगों से फायदा होता निहित स्वार्थ का मतलब है कि यह उन लोगों के बारे में निहित स्वार्थ की अवधारणा बात करती है जिनको इन दंगों से फायदा होता है मेरे प्यारे बच्चों निहित स्वार्थ इज इक्वल बेटा देख लेना आप सब निहित स्वार्थ इज इक्वल टू फायदा जिनको फायदा होता है तो निहित स्वार्थ अब किसको फायदा होता है तो दो होते हैं बच्चे एक को बोलता है एक को बोलते हैं स्टेट एक्टर्स क्या बोलते हैं स्टेट एक्टर्स और एक को बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है नॉन स्टेट एक्टर्स यानी एक होता है राज्यकर्ता एक होता है गैर राज्यकर्ता राज्यकर्ता मतलब जैसे मीडिया हो ठीक है जैसे मीडिया हो गए सभी प्रकार के मीडिया और नॉन स्टेट एक्टर जैसे क्या हो गए बहुत से संगठन वो देश के अंदर भी होंगे देश के बाहर यानी वो पाकिस्तान के भी हो सकते हैं इंडिया के भी तो बहुत से संगठन होते हैं याद रखिएगा क्या होते हैं बहुत से संगठन होते हैं अब उसमें हिंदू धर्म से भी संबंधित जितने संगठन है आप सबका नाम याद रख लीजिए और इस्लाम धर्म से भी संबंधित जितने संगठन है या सिख धर्म किसी भी धर्म से संबंधित सारे संगठन मैं नाम यहाँ इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि इस समय क्या हो गया है कि जैसे देश में एक एक प्रकार का एटमोस्फियर है तो आप अपनी कॉपी में मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि, कि किसी भी मतलब संगठन का नाम लिखना नहीं ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं चूंकि कौन लोग कॉपी चेक करेंगे वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रलिटी अगर नहीं है तटस्थता नहीं है तो आपको नंबर भी कम मिल सकते इसलिए हमें बैलेंस होकर केवल कॉन्सेप्ट पर बातचीत करनी है कहां पर विवादित विषय में बाकी तो सब में एग्जाम्पल देना ही देना तो स्टेट एक्टर्स हैं अब मीडिया क्या है? स्वार्थ क्या है मीडिया का अब अगर निहित स्वार्थ मीडिया का क्या है कि अगर हम देखें तो हिंदू आबादी बहुत ज्यादा अन्य धर्मों की आबादी कम तो अगर हिंदुओं की बातें ज्यादा दिखाई जाएंगी तो हिंदू लोग ज्यादा मीडिया देखेंगे मीडिया के टीआरपी ज्यादा बढ़ेगी समझ गए ना तो निहित तो स्वार्थ का मतलब यह होता है कि अपने हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूज का संचालन करना और ऐसे ही बहुत से संगठन प्रत्येक धर्म के हैं उनकी उस संगठन की उपयोगिता ही तभी साबित हो पाएगी जब वो धर्म की बातें करेंगे इसलिए वैसे ऐसी धर्म की बातें करते हैं तो आप देख सकते हैं यानी यहां पर मैंने आपको बता दिया कि सांप्रदायिकता के क्या कारण होते हैं क्या सभी बच्चे एकदम से मजा आया कि नहीं मजा आया सांप्रदायिकता के कारण और उसका एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर रख दिया गया ध्यान रखिएगा और यह भी बता दिया गया ये पीसीएस का क्वेश्चन कि बिल्कुल सत्य बात है सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है और निहित स्वार्थों द्वारा क्या की जाती है वित्त पोषित की जाती है याद रखिए दूसरा टॉपिक है जो आपका यहां पर महत्वपूर्ण है वो क्या है एक बार इसको देख लेते हैं धर्म तथा नरजातीय हिंसा की राजनीति मूलतः धर्म निरपेक्षवाद तथा धर्म निरपेक्षीकरण की राजनीति है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर दो संकल्पनाएं आपको मैं समझाना चाहता हूं और वो संकल्पना है धर्म निरपेक्षवाद और धर्म निरपेक्षीकरण पहले इसको समझा दूंगा तभी आप इस प्रश्न को समझ पाएंगे तो आइए समझाता हूं यानी हम इस प्रश्न में दो बातों पर मैं चर्चा करता हूं क्या है धर्म निरपेक्षता जो शब्द यहां लिखा हुआ वही लिखेंगे धर्मनिरपेक्ष वाद वाद शब्द पर ध्यान रखेगा धर्म निरपेक्ष को बोलते हैं सेकुलर और वाद को बोलते हैं आई एस एम इज्म। यानी इज्म जैसे आप देखेंगे आई एस एम इज सेक्यूलर आर सेकुलर और फिर जब इसको इज्म लगा देंगे यानी प्लस कर देंगे ये प्लस का निशान मैंने किया जम नहीं होता इज्म माने वाद तो सेक्युलरिज्म यानी धर्म जरा इन दोनों को समझिएगा धर्म निरपेक्षीकरण और इसी के द्वारा हम मैं क्या सिखाने जा रहा हूं राइजेशन राइजेशन धर्म निरपेक्षीकरण इसी के द्वारा मैं समझाने जा रहा हूं सांप्रदायिकता को नियंत्रित करने के कारक यानी कि जो ये सांप्रदायिकता आपने पढ़ी है ये रीजन होते हैं तो जैसे ये कॉन्सेप्ट आप समझेंगे ये और ये वाला वैसे ही सांप्रदायिकता को नियंत्रित करने के यानी सांप्रदायिकता को नियंत्रित करने के कारक भी आप समझ जाएंगे और आज इन्हीं दोनों विषयों पर मैं चर्चा करूंगा ठीक है ना भारत मालदीव पर नहीं क्योंकि अभी फिलहाल उसके आने के चांसेस सांप्रदायिकता को नियंत्रित करने की रणनीति ठीक है ना जो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है तो ध्यान रखेंगे इसी से समझ जाएंगे धर्मनिरपेक्षवाद क्या है सेक्युलरिज्म क्या है यानी सेक्युलरिज्म एक विचार है एक विश्वास है क्या बच्चे एक आइडियोलॉजी है आइडियोलॉजी मीन्स विचार एक बिलीफ है यानी एक विश्वास एक विचार है एक विश्वास है किस बात का विचार किस बात का विश्वास कि राज्य का कोई धर्म नहीं यानी राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है याद रखेगा स्टेट का धर्म से कोई संबंध नहीं यानी राज्य का धर्म से अलगाव है तो सेकुलरिज्म की संकल्पना इसी विचार और विश्वास के इर्द गिर्द मूव करती है कि राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है ध्यान रखिएगा तो पहली चीज तो बस और इसके बाद सेकुलरिज्म आप सब अच्छे से भारत के संदर्भ में अभी हम लोगों ने कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसी आदर्श को समाहित किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में और वहां पर धर्मनिरपेक्षता के लिए जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्षता तो आप देख सकते हैं यानी यह विचार विश्वास मेन समझना जरूरी है अभी सेकुलराइजेशन यानी धर्म निरपेक्षीकरण की संकल्पना यह अगर आप समझ गए तब जाकर के हम धर्म निरपेक्षतावाद के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझेंगे ये जो सेकुलराइजेशन है बच्चे धर्म निरपेक्षीकरण है यह क्या है यह भी एक विचार है एक विचारधारा है क्या है एक विचार है और इस विचार में क्या समाहित है जरा समझिएगा इस विचार में क्या समाहित है कि क्या समाहित है जरा समझिएगा धार्मिक संस्थानों यानी यहां राज्य की बात नहीं है यहां पर राज्य की बात नहीं यहां पर देखिए राज्य मैं लेके आ रहा हूं यहां राज्य स्टेट यानी उत्तर प्रदेश की सरकार या किसी भी राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों कोई भी धार्मिक संस्था एक मिनट बच्चों एक सेकंड एक सेकंड एक मुझे ठीक है यानी क्या है धार्मिक संस्था सेकुलराइजेशन एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कोई भी धार्मिक संस्था या धर्म या धर्म का समाज एवं संस्कृति तो सोसाइटी एवं कल्चर समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव नहीं होना चाहिए नहीं होना यानी धार्मिक संस्था या धर्म का समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव नहीं होना चाहिए यह संकल्पना है धर्म निरपेक्ष धर्म निरपेक्षीकरण यानी नि धर्म से निरपेक्ष हो जाना किसका मेरे प्यारे बच्चों समाज और संस्कृति का समाज और संस्कृति का बड़ा मजेदार है ये समाज और संस्कृति का क्या हो है जाना यानी धर्म से अपने आप को अलग कर लेना इसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण या सेकुलराइजेशन धर्म निरपेक्षीकरण फिर से समझेगा यहां पर शब्द है राज्य बच्चे और यहां पर शब्द है समाज और संस्कृति यही अंतर पकड़ लीजिएगा कि जब समाज और संस्कृति का या समाज और संस्कृति पर हम लें किसी भी धार्मिक संस्था कोई सी भी धार्मिक संस्था जब समाज और संस्कृति पर किसी भी धार्मिक संस्था या धर्म के अन्य पहलू का प्रभाव ना पड़े उसे हम धर्म निरपेक्षीकरण कहते हैं यानी समाज और संस्कृति अब धर्म से निरपेक्ष हो गए अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने यह आता है कि ये विचार पैदा कैसे हुआ मेरे प्यारे बच्चों यानी अब यहां पर आपके सामने आता है यह विचार आया कैसे व्यवस्था में यह विचार आया कैसे एक सेकंड पानी पी ये विचार समाज में व्यवस्था में आया कैसे यह बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है तो इसका मतलब हो गया सब बच्चों को ये ये पॉइंट समझ में आ गया है कौन सा कि धर्म निरपेक्षीकरण क्या है यानी जैसे हम लोग बात करते हैं ना आजकल कर्नाटक में हिजाब वाला विवाद है है क्या कर्नाटक में अभी हिजाब वाला विवाद था इसको भी एक बार थोड़ा समझ लीजिए फिर कर्नाटक में क्या था हिजाब वाला विवाद था तो ये जो धर्म निरपेक्षीकरण वाली घटना है समझिएगा तो अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग चले सेकुलराइजेशन के हिसाब से तो ये जो हिजाब है या चाहे हिंदू धर्म का कोई पहनावा हो सिख धर्म का कोई पहनावा हो जैन किसी भी धर्म का पहनावा जब लोगों के लिए मैटर नहीं करेगा ये भी धर्म निरपेक्षीकरण में समाहित है कैसे फिर से एक बार कि जो धर्म निरपेक्षीकरण है वह याद रखिएगा किसी भी धार्मिक संस्था या सिंबल मेरे प्यारे बच्चों प्रतीक एक शब्द और नोट कर लीजिएगा किसी भी धार्मिक संस्था या प्रतीक या सिंबल का समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाना और फिर अंततः समाप्त हो जाना इसी को धर्म निरपेक्षीकरण है यानी किसी भी धार्मिक संस्था या धर्म के प्रतीक का प्रभाव समाज एवं संस्कृति पर कम हो जाना उसे और अंततः समाप्त हो जाना उसे हम धर्म निरपेक्षीकरण कहते हैं यह कॉन्सेप्ट याद रखेगा अब आता है कि यह संकल्पना यानी यह धर्म निरपेक्षीकरण व्यवहार में कैसे प्रतिफलित होगा यह तो सिद्धांत है तो व्यवहार में कैसे आएगा अब आता है कि इसे हम व्यवहार में कैसे लाएं और जैसे ही हम व्यवहार में लाने की बात करेंगे तो हम सांप्रदायिकता को नियंत्रित करने की रणनीति पर भी चर्चा कर देंगे तो हम इसे व्यवहार में कैसे लाएंगे तो कुछ प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं जैसे काल मार्क्स, ठीक है ना मार्क्स, सिगमंड फ्रायड, क्या नाम है सिगमंड फ्रायड और उसके साथ साथ और कौन रहा मैक्स वेवर और कौन रहा है मैक्स वेवर इस प्रकार के जो विद्वान रहे सिगमंड फ्रायड और मैक्स वेवर वो कहते हैं कि यह संभव होगा यानी समाज एवं संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक संकेतों रिलीजियस सिंबल का प्रभाव कम हो जाएगा लेकिन हमें उसके लिए समाज का आधुनिकीकरण करना पड़ेगा तो प्लीज बच्चों लिखिएगा यानी इनके अनुसार धर्म निरपेक्षीकरण के आदर्श को हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे यानी हम समाज को आधुनिक बनाएंगे यानी आधुनिक समाज अब देखिए मजेदार अब हम आधुनिक समाज बनाना चाह रहे हैं अब फिर प्रश्न उठता है भाई कि आधुनिक समाज बनेगा कैसे अब फिर सांप्रदायिकता का समाधान आधुनिक समाज कैसे बनेगा तो उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम है शिक्षा कौन सा माध्यम है शिक्षा मेरे प्यारे बच्चों यही लोग कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूं. यानी समाज को जितना ज्यादा हम शिक्षित करेंगे जितना ज्यादा शिक्षा पर आधारित समाज होगा मूल्यों पर आधारित समाज होगा उतना ही सांप्रदायिकता पर नियंत्रण कम होगा अब आइए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं कार्ल मार्क्स और सिगमंड क्या यह सत्य है भाई कि इनको क्यों माने की बात सही करें नहीं कर रहे हैं तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं अब आप याद करिए आप लोग इतनी उम्र है बीस साल से ऊपर ही हैं आप लोग सब अब आप लोग विचार करिए पूरे हिंदुस्तान में दंगे कहा सबसे ज्यादा होते हैं चलिए बोली सबसे ज्यादा दंगे कहां होते हैं यानी जो हर एक शहर का जो एक पिछड़ा इलाका होता है किसी भी देश के कोने कोने में आप जाइए जो देश का सबसे पिछड़ा इलाका होगा वहां पर कुछ एक अपवादों को छोड़ करके वहीं पर सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक घटनाओं की जो श्रृंखला होती है सबसे ज्यादा दिखाई देती तो वहां पर दोनों चीज की कमी है वह समाज आधुनिक नहीं है जैसा कि मार्क्स मार्क्समेंट प्राइड और क्या मैक्स वेबर कह रहे हैं कि वह समाज आधुनिक नहीं तो अगर उस समाज को आधुनिक बना दिया जाए उस समाज को शिक्षित बना दिया जाए तो सांप्रदायिकता कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी तो ये है याद रखिएगा क्लियर है और ये करेगा कौन अब देखिए फिर आता है ये करेगा कौन तो ये करेगा सेक्युलर स्टेट और जैसे ही यह कॉन्सेप्ट आएगा ये फिर देखिए कहां गया कहा गया धर्म सेकुलर स्टेट एक सेकुलर स्टेट इस प्रकार की संरचना को आगे लेकर के जाता है यानी सेक्युलर स्टेट अपनी नीतियों के द्वारा बिना किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव किए सभी धर्म के मानने वाले लोगों सभी कस्टम्स को मानने वाले लोगों को एक साथ आधुनिक बनाने की नीति पर काम करेगा और उसके साथ साथ याद रखेगा उनकी बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करेगा ऐसे में हम सांप्रदायिकता को जड़ से ही समाप्त कर पाएंगे यही विषय आज मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता था एक बार बच्चे बताएं मैं एक बार आप लोगों का कमेंट भी देखूंगा क्या आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नहीं समझ पाए क्या आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नहीं समझ पाए फटाफट एक बार बताएं ठीक है जो नहीं समझ पाए स्पेशल क्लास में हाला असंभव है कि आप समझ ना पाए हो लेकिन जिनको भी थोड़ी सी भी दिक्कत होगी स्पेशल क्लास में अभी तुरंत में आ रहा हूं आज दो स्पेशल क्लास है आप आकर के मुझसे यहां पर चीजों को पूछ सकते हैं ठीक है एक बार बताएं बच्चे समझ में आ गया और मजा आया कि नहीं ठीक है यानी मजा आया कि नहीं सबसे बड़ी बात यह है मजा आया कि नहीं मजा है ठीक है बहुत बढ़िया से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यस yes, ये हुई बात इससे ना मुझे विश्वास होता है जब आप लोग कहते हैं ना मैं आप लोगों के कमेंट देख पा रहा हूँ ठीक है ना रुचि गौतम सौम्या रेखा यूपी पीसीएस सर्कल कह रहे हैं बहुत बढ़िया से सर जी पंकज कुमार आनंद त्रिपाठी पवन शर्मा दे, देवेश स्नेहलता पवन शर्मा बहुत बढ़िया तो लीडर अभी अभी होगी क्लास बच्चों मैं इसको शेयर कराता हूं हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें ठीक है तो बहुत बढ़िया तो हम लोगों ने इतने कॉन्सेप्ट सीख लिए और अब कोई भी प्रश्न यहां से आएगा तो आप बेहतर ढंग से उसको टेकल कर पाएंगे ठीक है ना तो यही कहा गया धर्म तथा नरजातीय हिंसा की राजनीति मूलतः धर्म निरपेक्षवाद तथा धर्मनिरपेक्षीकरण की राजनीति है इसमें समालोचनात्मक कहा गया है इस प्रश्न में यही काल मार्क्स मैक्स बेबर सिगमंड फ्रायड की अवधारणा को लेकर ले के आना है कि जब सभ्यता का प्रारंभ होता है तो हमें इस प्रकार की चीजें दिखाई पड़ती हैं यानी धर्म और धर्म पर आधारित जो सांप्रदायिकता है परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समाज मजबूत हो जाता है आधुनिक हो जाता है शिक्षित हो जाता है तो सांप्रदायिकता की मात्रा कम हो जाती है जैसा कि हम पश्चिमी समाजों को वेस्टर्न सोसा, सोसाइटीज को देख सकते हैं यही आपको लिखना है बाकी इन सभी विषयों पर डिटेल के लिए तो आपको प्लस क्लासेस में मिलना पड़ेगा मुझसे तो ये सारी चीजें हो गई जो आप यहां पर कंप्लीट करते हैं ठीक है अब पाँच मिनट में एक टॉपिक जीएस टू आई का है दा हिंदू भारत और मालदीव संबंध बस पांच मिनट इसमें केवल लगेगा पहले वाले टॉपिक में ज्यादा मसाला था भारत और मालदीव और एक चीज और जो भी बच्चे आई और पीसीएस दोनों का एनालिसिस सुन रहे हैं आप लोगों को पहले बात एक बार जो केवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके विश्वास के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं जो जो मेरा हिंदू भी देख रहे हैं और जो ये लेक्चर देख रहे यूपी पीसीएस वाला एक आई के लिए कराता हूं एक यूपी पीसीएस के लिए कराता हूं बच्चे बताएं एकदम से अंतर है कि नहीं कोई कोई समानता है आप अप्रोच एकदम से 360 डिग्री डिफरेंट है कि नहीं एक बार सारे बच्चे इसीलिए मैं लाइव क्लास में खुल के बोल रहा हूं जिससे लोगों को विश्वास हो कि मैं यहां कुछ बड़ा करने आया हूं हाँ ये है कि जब भी कुछ बड़ा करने की कोशिश हो तो शुरुआत में सफलता कम मिलती है अब हम लोग ऋतिक रोशन तो है नहीं कि आए और सुपरस्टार बन गए धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है तो एक बार ये बच्चों को बताएं एकदम से अलग है कि नहीं है मैंने एकदम अलग है ये कोई बच्चा अगर दिमाग में में भी आ गया कि मैं आईएस बस वही जो वहां पढ़ा रहा हूं ये बिल्कुल नहीं यहां एकदम यूपी वाली अप्रोच है इसलिए मैंने कहा हम फोकस्ड हैं इसका फायदा ये होगा वही चिड़िया की आंख मैं आप लोगों से ये भी कह सकता हूं कि आओ यार मैं तो आई पढ़ा ही रहा हूं वहीं पढ़ लो यहां अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है यहां मैं आपको इतिहास भूगोल पढ़ा देता हूं आप कहेंगे हाँ सर अच्छी बात है लेकिन फिर वही चिड़िया की आंख वाला हो जाएगा अर्जुन चिड़िया की आंख जिसको टारगेट दिखता है सिलेक्शन उसी का होता है अगर आप पीसीएस पर टारगेट है तो फिर पीसीएस अगर आप आईएस पर टारगेट है तो फिर आईएस याद रखिएगा दोनों लेकिन जो बच्चे मुझे फॉलो करेंगे मेरे हैं तो चूंकि मैं आई भी करा रहा हूं पीसीएस वो दोनों पे चलेंगे ध्यान रखिएगा लेकिन जो बच्चे केवल पीसीएस केवल आई मेरे का मतलब होता है जो मुझसे कनेक्टेड है वो फिर कुछ भी कर सकते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा तो ये हो गया आपका यहां से मेरे प्यारे बच्चों तो धर्म निरपेक्षता समझने की आवश्यकता है लिख लीजिएगा भारत मालदीव संबंध बहुत शॉर्ट में कराऊंगा कुछ इसमें है नहीं भारत मालदीव संबंध ये मैं करा इसलिए रहा हूं क्योंकि भारत मालदीव संबंध बच्चे 2018 से भारत के विरुद्ध एक अभियान चल रहा है जिसे बोलते हैं इंडिया आउट कैंपेन क्या बोलते हैं इंडिया आउट कैंपेन तो और ध्यान रखिए और इसी अभियान को 2022 में ये चलाया था यानी कि जो विपक्षी नेता है जैसे क्या है विपक्षी नेता एक बार मैं आपको दिखाता हूं और 2022 में इस इंडिया आउट कैंपेन को प्रतिबंधित कर दिया गया यानी कि ये कह दिया गया कि अब आप यह नहीं चला सकते प्रतिबंधित कर दिया गया अभी मैं बताता हूं किसने लगाया किसने प्रतिबंधित किया दो मिनट के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया और 2023 में है मालदीव में इलेक्शन कहा है मालदीव में है इलेक्शन तो थोड़ा सा चर्चा में रहने की संभावना है तो दो में या इस बार 22 में इसके मेंस में क्योंकि आने की संभावना थोड़ी सी बन जाती इसलिए थोड़ा सा भारत मालदीव चूंकि पीसीएस में नेपाल पर श्रीलंका पर सॉरी चाइना पर लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मे भी मालदीव पर पूछ लें तो इसीलिए ये टॉपिक मैंने रख दिया और सिलेबस का आपके पार्ट है क्या है यानी आपके सिलेबस का पार्ट है तो भारत इसका एक समुद्री पड़ोसी है तो कहीं कही ना कहीं पूछ सकता है तो पीटी के लिए भी याद रखिएगा इंडिया तो मालदीव के राष्ट्रपति ने इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध लगाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया इंडिया आउट कैंपेन क्या है मेरे प्यारे बच्चों ये सोशल मीडिया पर 2018 में प्रारंभ किया गया और सोशल मीडिया पर मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के द्वारा ठीक है ना उस समय के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा लॉन्च किया गया और उसके पीछे इनका उद्देश्य क्या था लॉन्च करने का ये कह रहे थे कि जैसे वहां पर भारत के दो हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर दो हेलीकॉप्टर सेना के और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान का मालदीव में है जो मालदीव में आपदा के समय राहत और बचाव कार्य के लिए लगाया गया है और उसकी जो पूरी निगरानी होती है वो भारतीय सेना के द्वारा होती है उसके पायलट भी क्या है? हिंदुस्तान के है। तो इसी बात को आधार लेते हुए कि भारत मालदीव में अपना सैन्य बना मतलब बना चुका है इससे मालदीव की संप्रभुता को खतरा है और उन्होंने मालदीव की सॉब्रंटी यानी संप्रभुता के नाम पर क्या किया लोगों की भावनाओं को भड़काना शुरू कर दिया और 2018 में अब्दुल्ला यामीन ने लॉन्च किया जिसको बहुत बड़ा समर्थन भी मिला और फिर मालदीव ने कहा इसको आप हटा लीजिए और अगर इसके पायलट होंगे तो वो हिंदुस्तान के क्यों होंगे हमारे यहाँ के क्यों क्यों नहीं होंगे उसके बाद ये आंदोलन चला और लंबे समय तक चला जिससे भारत और मालदीव के संबंध खराब हुए और इसके पीछे जो फैक्टर था वो चीन था बस यही पॉइंट आपको बताना था यानी चीनी फैक्टर यूपीपीसीएस में आप लगातार देखेंगे भारत चीन संबंधों पर दबा के क्वेश्चन आया हुआ यानी ओबोर भी पूछ चुका है फिर इसके बाद अभी हम लोगों ने और भी कई प्रश्न किए हैं तो चीन तो अब भारत चीन संबंधों में जब भी कुछ आएगा तो आपको ये हमेशा दिखाना मालदीव पूछे या ना पूछे इनडायरेक्टली आपको लिखना है कि वह भारत के पड़ोसी देशों को चेकबुक डिप्लोमेसी के द्वारा यानी पैसा दे करके एक यानी सीधे सहायता दे करके नंबर दो डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कौन सा शब्द है डेप ट्रैप डिप्लोमेश्लोमेशी डिप्लोमेशी डेप ट्रैप डिप्लोमेश यानी ऋण जाल कूटनीति के द्वारा क्या करता है ऋण जाल कूटनीति क्या करता है ऋण जाल कूटनीति यानी पहले उनको आधारभूत परियोजनाओं के विकास का लालच देता है कि हम मालदीव में या श्रीलंका में क्या करेंगे सड़क रेलवे परिवहन के जितने भी साधन होते हैं वो हम बनाएंगे पोर्ट डेवलप करेंगे बंदरगाह विकसित बि करेंगे तो है, वो पैसा तो आप ही को लगाना पड़ेगा वो कहता है कि हम आपको कुछ छूट प्रदान करेंगे अन्य असिस्टेंस आपको यानी अन्य सहायता देंगे तो आपको भी लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए फाउंडेशन यानी न्यू का काम करता है तो आपने क्या किया उसके साथ है? साइन कर दिया समझौता तो अब क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगेगा आपके ऊपर क्या हो गया वो चाइना सारा पैसा लगाता है लेकिन आपके ऊपर वो कर्जा हो गया और जब कर्जा हो गया तो फिर वो क्या कहता है आपका कान पकड़ लेता है कहता है कि भाई ऐसा करिए अब अब जो हम कह रहे हैं अपनी पॉलिसी में वो लाइए इसका मतलब फिर अपने उसी ऋण के बल पर वह उनकी विदेश नीति को भी बदलवाता है और यह जो अभियान चला है इंडिया आउट कैंपेन यह जो तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने लगाया है इसी इसी डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत चाइना के दबाव में लगाया है क्योंकि क्योंकि मालदीव में चाइना आर्थिक स्तर पर बहुत मजबूत हो चुका है इनफैक्ट उसका एफटीए भी है चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो यही पॉइंट मुझे बताना था तो चाइना पर जब भी आएगा इस टाइप से आप लिख लीजिएगा वहां पर जो सरकार है ठीक है अभी जो वर्तमान प्रेसिडेंट ओसारी जो फार्मर प्रेसिडेंट थे मिस्टर अब्दुल्ला यामीन ठीक है इनकी पार्टी का नाम था प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव ये क्या थे ये क्या है यानी ये प्रो चाइना है क्या है एंटी इंडिया है प्रो चाइना है और जो करंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव यानी जो अभी मालदीव के प्रेसिडेंट है मिस्टर इब्राहिम सुलेह उनकी पार्टी का नाम है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी वो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर चलते हैं और इंडिया वो बहुत ज्यादा यानी मोहब्बत करते हैं प्यार करते हैं तो यही इतना कंसर्न था इसमें बताना बस अब इसके बाद मिलते हैं बच्चों आ जाइए स्पेशल क्लास में और अपनी जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं लेकिन मुझे लगता है आप लोगों में इकोनॉमिक सर्वे यूपी पी का बड़ा लोकप्रिय नहीं है चूंकि जिस तरीके से स्पेशल क्लास में बच्चे वेलकम कर रहे हैं माने मैं आई की क्लास में बैठता हूँ मुझे ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि हर बच्चा आ, मैं यार बैठता हूं तीन तीन चार चार हजार बच्चे लाइव रहते हैं आप सोचो कि आई में स्पेशल क्लास में या आप इतना तो यूपी पीसीएस पे व्यूज भी नहीं हो रहे जितना वहां मुझे लाइव स्पेशल क्लास में बच्चे म, मिलते थे तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यूपी आप और मैं क्या पढ़ाता हूं वहां पर भी यही सब इकोनॉमिक सर्वे एंड शो, वान शो वान जो भी एक्चुअल में जो पढ़ने की जरूरत होती अगर आप रैंक लगाना चाहते हैं एसडीएम बनना चाहते हैं तो बट यहां पर यूपी में अभी थोड़ा सा हला धीरे धीरे आप लोग मुझसे परिचित हो रहे हैं मेरा कहने का मतलब है कि जो यूपी का सर्वे करा रहा हूं यूपी का बजट डिटेल में कराता हूं मैं ऐसे संक्षेप में नहीं डिटेल में एक महीना तक बीस दिन तक तो उसको आप पढ़िए इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर बिल्ड होगा मैं लिंक शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी जहां पर वीडियो है जब अभी आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद जय हिंद लेट्स क्रैक और कब मिलते हैं अभी तुरंत साढ़े नौ बजे फिर साढ़े दस बजे लगातार दो स्पेशल क्लास है और आप लोग क्या करेंगे क्या करेंगे यानी जबरदस्त रूप से हार्डवर्क उसके साथ साथ रिजल्ट लैब चैनल को आगे बढ़ाइए ठीक है थैंक यू